बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर एडमिशन जो है वो शुरू कर रही है। तो यहाँ पे आज से देख सकते हैं कि जो भी मैट्रिक के कैंडिडेट हैं, जो भी इस बार दसवीं पास किए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं, उन सभी का यहाँ पे इंटर में एडमिशन होगा। अगर आपने स्कूटनी के लिए आवेदन कर रखा है या कंपार्टमेंट के लिए आवेदन कर रखे हैं तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जानेंगे कैसे आपको एडमिशन लेना है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है कि सभी छात्र यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। OFSS की वेबसाइट पे जाके आपको एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि 13 जून तक जो है आप अपने कॉलेज की लिस्ट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपने कॉलेज का चयन भी कर लेंगे और आपको किस कॉलेज में कितनी सीट है उसके अनुसार आपको सीट देख लेना है। अब सीट देखने के टाइम में ये सावधानी रखनी है आपको कि किस कॉलेज का कटअप जो है वो कम जाता है, अपने मार्क्स के मुताबिक ही कॉलेज का चयन करें। यहाँ पर देख सकते हैं 13 जून तक जो है वो स्कूल कॉलेज के लिए निर्देश दिया गया है कि स्कूल कॉलेज अपने सीट का मिलान कर लेंगे और जो है 13 जून तक जो है वो क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सीट का चयन तो करना ही है और अपने मार्क्स, आपका कटअप क्या रहा है, आपका मार्क्स क्या है मैट्रिक में, उसके अनुसार ही अपने कॉलेज जो सेलेक्ट करने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मार्क्स उतना नहीं होता और वैसे कॉलेज का चयन कर लेते हैं जिनके कारण उनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको SKT एग्ज़ाम जो है गूगल क्रोम पे ऐसे सर्च करना है, SKT एग्ज़ाम सर्च करना है, ठीक है। तो SKT एग्ज़ाम जैसे ही सर्च करोगे ना तो ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब जो सबसे ऊपर है उस पर क्लिक कर देना बाबू, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखिए तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद क्या करना, आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करना, ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना उस पर आप 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना आपका जो है इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 डॉट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, 3 डॉट पे ये वाले डॉट पे क्लिक करना है और एडमिशन पे जाना है। जैसे ही एडमिशन पे जाओगे ना तो ऐसा आपको 11th एडमिशन का मिलेगा, इस पर आपको जाना है और आपको देख लेना है कि यहाँ पे आपका कितना पेमेंट लग रहा है, किस कॉलेज में क्या पेमेंट लगेगा, यहाँ पे आके एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और अभी वीडियो पूरी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, आपको बता दें रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग लगता है और एडमिशन चार्ज अलग लगता है। तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फ़ोटोग्राफ कैसे डालना है। अब देखिए वापस मैं यहाँ पे OFSS की वेबसाइट पे जा रहा हूँ जहाँ से आपको कॉलेज में यहाँ पे चेक कर लूँगा। तो देखिए 3 डॉट पे जाके यहाँ पे कॉलेज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और कॉलेज इन्फॉर्मेशन पे चेक करके ये बताऊंगा कि कैसे आपको कॉलेज जो है चेक करना है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ये बिल्कुल बड़ी बात है। नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अनअकैडमी आपको देने जा रहा है ब्रांडेड नोट्स, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर। तो अब अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रांग करें क्योंकि आपको घर बैठे मिल रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर कोटा के सारे टीचर्स की ब्रांडेड नोट्स, वो भी अनअकैडमी पे। इस अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करें, कोर्स पिक सिलेक्ट करें, उसके बाद सब्जेक्ट चुनें, उसके बाद चैप्टर सेलेक्ट करें और व्यू नोट्स पर क्लिक करें और इसके साथ ही आपकी मोबाइल स्क्रीन में नोट्स खुल जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से सारे टॉप एजुकेटर का नोट्स देख पाएंगे। तो अभी अनअकैडमी पे बम्पर ऑफर चल रहा है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का फ्री, 12 मंथ पे 2 महीने का फ्री और 2 साल पे 3 महीने का फ्री। साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल डालें और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यही नहीं, आपको अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासे, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स PDF के साथ मिल जाते हैं और अब तो नोट्स भी मिलने लगे हैं। आपका बैच शुरू होने जा रहा है NEET 2022 के लिए और NEET 2023 के लिए सभी बैच। NEET 2021 वाले फाइनल रिवीजन बैच शुरू हो रहा है 9 जून से। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की टीम इसमें है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आज ही इनरोल हो जाए फाइनल रिवीजन बैच जो आपको पहुंचाएगी आपके मंजिल तक। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अनअकैडमी लोन दे रही है। लोन लेने के लिए नीचे आपका फॉर्म फिलअप करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर संडे को सुबह के 11 बजे NEET UG कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करें और 4 करोड़ की स्कॉलरशिप अपने नाम कर लें। आप सभी के लिए अनअकैडमी भी चल रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस, सुबह के 8:30 बजे डेली रेगुलर क्लास हो रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फ्री क्लास करने के लिए आप लोग रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉलेज का लिस्ट इस तरह से आएगा, कॉलेज वाइज, तो वहाँ पे आपको कॉलेज वाइज पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलेज वाइज पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉलेज वाइज पे। तो इस तरह का एकेडमिक ईयर 2021 और 22 लिखा आएगा, 2021 और 22,
ठीक है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। बहुत लोग फेक यूट्यूब बना दिए हैं, फेक चैनल बना दिए हैं और उसमें 2020 वाला लिस्ट दिखा दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे चैनल पे मैंने देखा कि 2020 एकेडमिक ईयर लिखा था और वो पुराना कॉलेज का लिस्ट दिखा दी कर बच्चों को गुमराह कर दिया। तो नया लिस्ट देखिए यहाँ पर अब आया है 2021 और 22 वाला, पहले आप लोग देखे हुए हैं तो उसे भूल जाइए, अब नया लिस्ट ऐसे चेक करना है आपको। देखिए जैसे कि मैंने अररिया का यहाँ पे चेक करके दिखाया है, दो दिन पहले जो भी दिखाए ना लिस्ट सभी गलत लिस्ट दिखाएं, तो दो दिन पहले अगर चेक करो तो फिर से चेक कर लो आप लोग, ठीक है। आप लोग को वो लोग बेवकूफ़ बना दिए हैं। देखिए यहाँ पे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे सभी का अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है बाबू, और आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, वो चयन कर लेना और कॉलेज चयन कर लेना, और उसके बाद देख लेना सीट कितनी है, क्या आपका जो कट ऑफ है वो सीट के मुकाबले आपका चयन होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं पटना का चेक करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं पटना खोज रहा हूँ, तो पटना चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ, पेज टू पे जाएंगे ना तो पटना का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सीधे पेज टू पे चला जाता हूँ, ठीक है, नीचे से जाकर पेज टू पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं सीधे पेज टू पे जाता हूँ जहाँ से आपका पटना का भी शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आपका पेज टू पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे से आप लोग भी नेक्स्ट करके जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पटना का देखिए बहुत सारे कॉलेज स्कूल, क्योंकि स्कूल में भी प्लस टू होता है और कॉलेज में भी होता है, तो आप लोग प्लस टू स्कूल कॉलेज कोशिश करना, अगर मार्क्स अच्छा है तो कॉलेज चूज करने का, ग्रेजुएशन में दिक्कत ना हो आप लोग, ठीक है ना। जैसे देखिए एन एस कॉलेज बाढ़ पटना, आपको देख लेना है कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, और अगर 60% से कम है तो जहाँ सीट ज़्यादा होगा वो मत देखना, कौन सा कॉलेज जो है जहाँ भीड़ कम होता है, लास्ट ईयर की कटअप चेक कर लेना, ठीक है। लास्ट ईयर की कटअप की वीडियो मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि लास्ट ईयर की कटअप जो है सबसे पहले मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, जल्द वो रेडी हो गया है, बस वीडियो कुछ समय में आने जा रहा है, तो आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो, क्योंकि जैसे ही कटअप वाली वीडियो आए आपसे कोई मिस ना हो पाए, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा दो, शेयर कर दो सभी को दोस्तों, और लाइक भी कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से ऐसे वीडियो बनता है और बहुत मेहनत से आपके लिए कटअप वाला वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिस्ट चेक किया, और आप भी अपने कॉलेज का बीएससीबी कोड डालकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको कॉलेज का कोड पता है तो आप डायरेक्ट कॉलेज का कोड वहाँ पे डाल दोगे ना, बीएससीबी कोड जहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आपका कॉलेज का भी दिखा देगा, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा और अपना कॉलेज कोड, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कॉलेज कोड है, तो आपको पता है अपना कॉलेज कोड, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर पूरे कॉलेज का देखना है, पटना में जितना कॉलेज है सबका देखना है, या अररिया में जितना कॉलेज है, भागलपुर में जितना कॉलेज है, आप किसी भी ज़िले के हैं तो आपको देखना है, तो आप कॉलेज डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो या स्कूल वाइज देखना है, तो बीएससीबी कोड वहाँ पे जो है ना उस पर आप अपना बीएससीबी कोड डाल देना, कॉलेज या स्कूल का कोड वो डालकर आप देख सकते हो। इससे इस तरह से आपका इंटर का एडमिशन लेना है तो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग के पास तैयार है ना, मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, तो बस आसानी से आप लोग इंटर एडमिशन ले सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करें, और मार्कशीट नहीं भी है तो आपका जो डाउनलोड किया है ना उस मार्कशीट से ही एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मेक लिस्ट आएगी उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी अपडेटेड रहिए चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।